जय हिंद दोस्तों, मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखे होंगे कि एक किसी चिड़ियाघर में गाय या मुर्गी या बकरी उसमें चिड़ियाघर में है, लेकिन उसका संख्या क्या है उसे निकालने दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में सिर और पैरों की संख्या दिया रहता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि हम ऐसे टिप्स बताएंगे, ऐसे ट्रिक्स देंगे जो आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा मसाला मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर स्किप कर देते हैं तो आप ऐसा मटेरियल लेने से आप वंचित रह जाइएगा। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो को क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो कुछ नए अपडेट के साथ अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके और एक भी वीडियो छूट ना सके, क्योंकि ये एग्जाम के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप उलझ जाइएगा, उसमें आपको टाइम टेकिंग लगेगा। इसलिए आप लोग दोस्तों, जो मैं ट्रिक्स को बताने जा रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिएगा और इस ट्रिक्स को हमेशा एग्जाम में यूज कीजिएगा, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप एक मिनट में जान लीजिए, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी एक फर्म में बकरी और मुर्गी है, तो बताइए यदि सिर की संख्या, तो बकरी और मुर्गी जो भी है, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों का सिर तो एक ही होगा। तो मान लिया कि सिर पर हम लेके चलते हैं, तो बकरी का सिर x मान लेते हैं संख्या में और मुर्गी को y मान लेते हैं, और इसकी सिरों के, ये सिर को लेके जा रहे हैं कि एक एक सिर होता है, इसलिए एक एक इसके साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ भी है 1 मल्टीप्लाई y के साथ भी और, तो सिरों की संख्या कितना है, दोनों का योग 40, और टांगों के साथ आते हैं, तो बताइए बकरी के टांगों की संख्या कितना था 4, तो 4x, और मुर्गी का टांग कितना था 2y, बराबर दोनों का कितना योग दिया, टांगों के 100। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मानकर ये दोनों को इक्वेशन आप हल करेंगे तो आराम से क्वेश्चन आपका संख्या निकल जाएगा, क्योंकि हम x किसको माने, बकरी की संख्या, और मुर्गी को y माने, ठीक है। तो आप आराम से मुर्गी और बकरी की संख्या को इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे लेंदी हो जाएगा, आप एग्जाम में फंस जाइएगा और कैलकुलेशन करते करते क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसको आप देखिए ध्यान से कि कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए इसको आप समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी एक फर्म में बकरी, मान लो बकरी जो है इसकी टांगे कितना होगा 4 और मुर्गी की टांगे कितना होगा 2। तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिएगा, ट्रिक्स को यूज कीजिएगा, ट्रिक्स देखिए हम क्या है, यहां निकालने बोल रहा क्वेश्चन है बकरियों की संख्या, तो हम लिख दिए हैं बकरी, बकरी की संख्या निकाल रहे हैं, बकरी बराबर क्या करेंगे, जितना टांगे हैं उसे हम पहले लिख लेंगे, तो टोटल टांगे कितना हुआ 100। अब क्या करेंगे, उसमें घटाएंगे किसका, जो टोटल सिर 40 दिया हुआ है, वो मान लिया जाए कि मुर्गी की 40 सिर, टोटल मुर्गी का सिर को हम 40 मान लिए, तो हम 40 करेंगे और इसके साथ मुर्गी का जो है टांग कितना था 2, तो इसके साथ 2 हम गुना कर देंगे बटे इस पे 2, क्योंकि ये दोनों के पीछों का दोनों है ना, दोनों सिर के साथ है, इसलिए 2 से भागा दे देंगे, तो 100 - 80/2 बराबर 20/2 बराबर 10। तो बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा 10, बकरियों की संख्या, तो है ना आसान ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप लोग आराम से यूज कीजिएगा, बहुत इजी है, इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाइएगा टांगों की संख्या 100 है, 100 में माइनस जो अगर केस का टांग पूरा सिर को किसको लेंगे, मुर्गी, क्योंकि बकरी निकालें तो बकरी लेंगे तो उसको मुर्गी में ऑपोजिट लेंगे, तो मुर्गी को पूरा सिर को जितना सिर रहेगा उसका मुर्गी को पूरा सिर मान लेंगे 40 को इसका टांग 2 होता है, 2 से गुना करेंगे, इससे दोनों को सब्सट्रैक्शन और 2 से भागा दे देंगे, तो जितना आएगा वो बकरी की संख्या। अब अगर बोला जाए कि मुर्गी की संख्या, तो क्या करेंगे, टोटल टांग 100 है माइनस,
अब क्या करेंगे, मुर्गी का बोला है तो बकरी के साथ हम टांगों के साथ गुना करेंगे, तो टोटल सिर को बकरी को मान लेते हैं 40, तो 40 गुने इसकी टांगे संख्या कितना था 4/2, 2 से सभी में भागा देना, तो इसमें नेगेटिव नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसमें अब देख लो 4 × 16 = 160 में माइनस, तो माइनस 60 नहीं, नेगेटिव इसमें नहीं होता है इंक्लूड, ठीक है। तो 4 × 16 = 16 यानी कि 160 में 160/2 बराबर 30, ये हो जाएगा मुर्गी से। तो बताइए दोस्तों ये कैसा ट्रिक्स लगा, है ना ट्रिक्स दमदार, तो आप लोग इस ट्रिक्स को यूज कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इसको ऐसा क्वेश्चन में आप लोग डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, बस उसके बाद ये एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए एक चिड़िया, एक चिड़िया घर में गाय और मुर्गियां हैं, क्या है, गाय और मुर्गियां हैं, एक चिड़ियाघर में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 है, 180 है, और पैर गिने जाए तो 420 है, तो गायों की संख्या क्या है, 400 जाए तो 420 है, तो चिड़िया घर में गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक चिड़ियाघर में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 है, तो बोलता है गाय की संख्या निकालें, तो गाय हम यहां लिख देंगे और क्या करेंगे, टोटल टांगे जितना है उतना हम लोग लिख लेंगे, तो टोटल टांगे कितना है 420, इसमें माइनस करेंगे किसका, गाय और क्या है, इसमें गाय की पैरों की संख्या 4 होता है एक गाय की और इसका 2, अब टोटल जो है कितने हैं, 180 ही जानवर होगा, तो 180 गुने किसका लेंगे, गाय का, तो यहाँ पे लिख गाय को निकालना है तो हम इसका ऑपोजिट लेंगे किसका, मुर्गी का, तो मुर्गी का पैर कितना था 2, 2 से गुना करेंगे 2/2, कितना होगा 420 माइनस 360/2 0, 12 में 6 यहाँ बचा बस 2 काटेंगे 30, तो ये मेरा हो जाएगा गाय की संख्या जो है चिड़ियाघर में गायों की संख्या कितना है 30 है। अब हम निकालते हैं मुर्गी की संख्या, ठीक है, तो मुर्गी की संख्या को देखिएगा, मुर्गी यहां पे लिखेंगे, मुर्गी क्या करेंगे 420 माइनस टोटल सिर 180 है गुने गाय, मुर्गी निकाल रहे हैं तो गाय का पैरों की संख्या, एक गाय के पैरों की संख्या कितना होता है 4 से गुना करेंगे, इसमें नेगेटिव हमने बोला है कि नहीं लिया जाता है, तो इसको गुना करो 4 × 0 = 0, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 7 और ये 420 माइनस 407 बराबर कितना आ जाएगा 300 / 2 = 150।
तो मुर्गियों की संख्या 150 होगा और गायों की संख्या कितना होगा, गायों की संख्या 30। तो देखिए जोड़कर आप प्रूफ कर सकते हैं कि 150 इसका या 30 इसका, तो 180 सिर है टोटल, तो 180 सिर, 180 सिर है इसका मतलब 180 जानवर है, तो 150 यहाँ पे हो गया मुर्गी की संख्या और 30 इसका, तो 180 हो जाता है, तो 180 टोटल ये क्या होता है, मेरा प्रूफ हो जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को जो हमने ये ट्रिक्स बताया है, इस ट्रिक्स को आप लोग विश्वास नहीं होगा, आप इस ट्रिक्स इतना इजी ट्रिक्स है कि आप लोग सिर्फ इसको क्वेश्चन को ज्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग इस ट्रिक्स को कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए ये बहुत मजा ट्रिक्स है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए और जोरों शोरों से कोई भी एग्जाम को आराम से तैयारी क्रैक कर सकते हैं तैयारी करके। ये सब प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमने जो प्रचलित क्वेश्चन था उसको हमने लेके आया, फिर आगे हम वीडियो में कुछ और प्रचलित क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो तब तक हमें क्या कीजिए, इजाज़त दीजिए, और इजाज़त देने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों तब तक बाय, टेक केयर।